भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के पूर्व बाहुबली विधायक रहे पंडित विजय मिश्रा को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 3 साल से जेल में बंद सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विजय मिश्रा पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और विजय मिश्रा पर 15 साल की सजा सुनाई गई है। ये वही विजय मिश्रा है जिनकी पूर्वांचल के जिलों में तूती बोलती थी। भदोही ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में विजय मिश्रा का दबदबा कायम था, मगर योगी सरकार ने बाहुबली विजय मिश्रा को 15 सालों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। सबसे खास बात यह है कि विजय मिश्रा के खिलाफ 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि करीब 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि भदोही जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती है। ज्ञानपुर सीट पर कई दशकों से विजय मिश्रा का कब्जा था और ज्ञानपुर सीट से लगातार 4 बार के विधायक विजय मिश्रा चुने गए थे। साल 2020 में वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे सहित कई लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा गोपीगंज थाने पर दर्ज कराया था। वाराणसी की गायिका से सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती गई और मुकदमों का लिस्ट भी बढ़ता गया। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे बाहुबली विजय मिश्रा को भदोही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में कल यानी 3 नवंबर को भदोही कोर्ट ने विजय मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में दोषी साबित किया था और आज 4 नवंबर 2023 शनिवार को भदोही जिला अदालत ने विजय मिश्रा पर 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विजय मिश्रा पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। एक जमाना था जब विजय मिश्रा का साम्राज्य कायम था, मगर आज बाहुबली विजय मिश्रा की करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को योगी सरकार ने कुर्क कर लिया है। 15 सालों की सजा मिलने से अब बाहुबली विजय मिश्रा का राजनीतिक करियर धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर जा रहा है। योगी सरकार में बाहुबली विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है और भदोही कोर्ट ने विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई है।